25 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, एनपीएस के बदले चुनाव से पहले मिल सकता है जीपीएस यानी कि गारंटेड पेंशन स्कीम। काफ़ी महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट, एनपीएस में कवर्ड 35 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए। खबर के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव कर सकती है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए आंध्र प्रदेश के मॉडल के आधार पर गारंटेड पेंशन स्कीम का प्रावधान किया जा सकता है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के बदले जीपीएस सही है या फिर ओपीएस सबसे बेहतर है। सूत्रों का कहना है कि इससे कर्मचारी के रिटायर होने पर उसके अंतिम मासिक वेतन के 40-50% हिस्से के बराबर पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार नई पेंशन स्कीम के विरोध के बाद इसमें बदलाव पर विचार कर रही है। बताया जाता है कि नई पेंशन स्कीम बदलाव के बाद बाजार से लिंक्ड होगी। अगर मार्केट का रिटर्न पूरी पेंशन देने में विफल होगा तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम मासिक वेतन के 40-50% हिस्से के बराबर पेंशन मिले। इसके लिए कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन पहले की तरह रहेगा, उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम की मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारी को बेसिक वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देना होता है, वहीं मूल वेतन के 14% के बराबर सरकार भी कर्मचारी के खाते में जमा करती है। सरकार यदि नई योजना को लागू करती है तब भी ये योगदान ऐसे ही रहेगा, लेकिन कर्मचारियों को यदि रिटायरमेंट के समय पर 40-50% रिटर्न नहीं मिलता है तो सरकार ये इंश्योर करेगी, ये पक्का करेगी कि सरकारी कर्मचारी को 40-50% उसके अंतिम वेतन का जो पैसा है वो पेंशन के रूप में दिया जाए। फिलहाल ये जो योजना है ये आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है वो यहाँ पर ये भी है कि फिलहाल योजना में अब तक यह साफ नहीं है कि बदलाव के बाद पेंशन स्कीम महंगाई के साथ जुड़ेगी या फिर नहीं। आंध्र प्रदेश की पेंशन योजना महंगाई के साथ जुड़ी है और महंगाई में बदलाव के साथ पेंशन में बढ़ोतरी होती है। आंध्र प्रदेश की पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% हिस्से के बराबर पेंशन का प्रावधान है। तो केंद्र सरकार इसी योजना को अडॉप्ट करने का प्लान कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उन्हीं के आधार पर ये जानकारी आपको दी गई है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी आंध्र प्रदेश सरकार के मॉडल के आधार पर नई पेंशन योजना का देने का विचार कर रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।